जब से मैंने वैलेंटाइंस डे का नाम सुना और इसका मतलब समझा, लोगों ने बताया कि क्या होता है वैलेंटाइंस डे, तो मेरा पहला सवाल यही होता था कि भाई बाकी दिन प्यार नहीं करते हो क्या अपने दोस्तों से, अपने प्रेमी प्रेमिका से? फिर बाद में लोगों ने कहा मम्मी पापा के लिए भी हो सकता है, बच्चों के लिए भी हो सकता है, भाई बहन के लिए भी हो सकता है, देश किसी के लिए भी हो सकता है, देश के लिए भी हो सकता है। और असल वैलेंटाइंस डे देश से प्यार है। तो आज तो आपने गौरव को श्वेता मौका दे दिया, जबकि आपने सोचा था आप चौका लगाने वाली हैं। अरे अभी चैट तो शुरू हुई है, अभी चैट शुरू हुई है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं देखिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या भारतीय संस्कृति को खतरा है वैलेंटाइन डे से? अच्छा पहले मैं आपके उस तारीखों वाले सवाल के जवाब दे देती हूँ। बर्थडे एक दिन मनाती हूँ, मुझे लगता है कि हर एक दिन जी तो रही हूँ, हर एक दिन तो एक एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, या उस दिन का भी जश्न मना लिया जाए। 15 अगस्त एक होता है, 26 जनवरी एक होता है, न्यू ईयर एक होता है, हिंदू न्यू ईयर एक होता है, हमारी होली दिवाली सब एक एक होते हैं। तो चलिए अगर आप किसी दूसरे की संस्कृति को छोटा समझ कर बड़े नहीं होते हैं, आप अपनी संस्कृति को बड़ा समझ कर बड़े होते हैं, मेरा ये मानना है। आज मैं आपने मुझे भी ज़बरदस्ती यहाँ रखा है, क्योंकि मैं जा रही थी अपना शाम का फलाहार करने, शिवरात्रि का त्यौहार। 3 साल की उम्र थी तब से व्रत रही हूँ, इकलौता त्यौहार है जिसपे व्रत रखती थी, अब से 5 साल से छठ करना शुरू किया है। और शायद इकलौती है जो भगवा पहन के और वैलेंटाइन डे की तारीफ भी कर रही है और मना भी रही है। मना नहीं रही हूँ, मौका नहीं लगा उसका, लेकिन हाँ मैं बहुत लंबे समय तक मनाया करती थी, उसके पीछे भी मेरे कारण है। मुझे नहीं लगता है भारतीय सभ्यता को इससे खतरा है। आपको लगता है? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग तो वैसे भी देखिए प्यार गलत नहीं है, कामदेव और रति के बारे में तो हम लोग पढ़ते भी हैं, श्रृंगार रस हमारी कविताओं में होता भी है, और श्रृंगार रस वैलेंटाइन डे केवल प्रेमी प्रेमिका का प्यार ही क्यों समझे। अगर आप इसमें वात्सल्य रस देखें तो माँ और पुत्र पुत्री का प्यार हो सकता है, अगर आप इसमें देश के प्रति जोड़ें तो वीर रस को जोड़कर देखिए। दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, पंकज कह रहे हैं आप लोग अपनी बातचीत कीजिए बंद और दर्शकों के सवाल का दीजिए जवाब। बताइए पंकज क्या है सवाल? सवाल है कान्हा शर्मा का रोहित सरदाना से। हाँ बताइए कि क्या आपने कभी वैलेंटाइन डे पे किसी को प्रपोज किया है? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ कान्हा शर्मा जी, लेकिन ये बात मैं बता दूं कि जो बात श्वेता कह रही है मैं भी उसके पूरी तरह से सहमत हूँ कि आप अपने को बड़ा करने के लिए जरूरी है कि दूसरे को छोटा करें। क्रिसमस आप नहीं मनाते हैं, ठीक है मत मनाइए, लेकिन जरूरी है कि आपको उसी दिन प्रचार करना है कि नहीं 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 तुलसी पूजन दिवस मनाओ, क्रिसमस क्यों मना रहे हो? आप किसी दूसरे की भावनाओं को आहत करके या छोटा करके अपने को बड़ा कैसे कर सकते हैं? आज को लेकर भी 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे को लेकर भी कुछ लोगों ने एक कैंपेन चलाया है कि इसको मातृपितृ पूजन दिवस की तरह मनाइए। तो मातृपितृ पूजन दिवस तो हमारे लिए हर रोज है, हम सुबह सोकर उठते हैं अपने माँ बाप के पांव छूते हैं, कहीं बाहर से घर जाते हैं अपने माँ बाप के पांव छूते हैं। हमारे घर में जो संस्कार है हिंदू घरों में, कम से कम हिंदुस्तान में रहने वालों के घरों में, वो यही है कि आपके माता पिता को भगवान का दर्जा है और आप उनका पूजन हर रोज ही करते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि तसले में पैर रख के पैर धुलाना है, धूप बत्ती जलाना है तभी पूजन होगा। मन में आपके अगर सद्भावना है, उनके प्रति आदर है, प्रेम है, आपका संस्कार वैसा है, तो हर दिन आपका मातृ पितृ पूजन दिवस है। क्यों उसकी तुलना आपको वैलेंटाइन डे से करके जानबूझ के दूसरे को छोटा बताकर अपनी संस्कृति को ऊंचा करना है, जबकि भारतीय संस्कृति उसका तो आधार ही यही है कि उसने जो आया उसको अपना लिया और अपना दायरा और बड़ा कर लिया। चाइनीज खाने को ऐसा अपनाया कि चाइना वाले पहचानते नहीं है कि ऐसा अपना लिया। काली मिर्च वाली चाउमीन केवल भारत में ही मिलती है तो और पनीर चाउमीन भी भारत में ही मिलती है, तो चीन में नहीं मिलेगी। वैलेंटाइन डे का स्वदेशीकरण क्या हुआ है, वो जो लंबा सा स्पीच अभी गौरव सावंत ने दिया था कि, और आपने उसका एक उसको क्या एपिलोग कहा जाता है ना, बाद में उसमें जोड़ दिया कि माँ बाप का प्यार, मैंने आपके में जोड़ा था। अच्छा मेरे में जोड़ा था माँ बाप का प्यार, भाई बहन का प्यार, देश का प्यार, सैनिकों का प्यार, तो ये हमने स्वदेशीकरण कर लिया है इसका। वैसे ये जो वैलेंटाइन डे और ये सब मनाते हैं, इससे सबसे बड़ा फायदा किसका होता है? रेस्टोरों वालों का, कार्ड वालों का, फूल वालों का। आया स्वदेशी जागरण मंच वाला एंगल। पाकिस्तान में क्या हुआ था? नहीं लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा न करें, जरूर करें, लेकिन केवल किसी एक दिन नहीं। और अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उस प्यार को सम्मान को और अगर उसके साथ जोड़े तो और अच्छा है। ये एक दिलचस्प एंगल मैं और बताना चाहता हूँ। अपनी दुकान चलाते हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, टीवी कैमराज को वहां लेकर जाते हैं, मारपीट करते हैं और अपनी दुकान चलाते हैं। पंकज अगला सवाल बता रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है कि हम आपस में बात किए जा रहे हैं, सवाल नहीं ले रहे। पंकज बताइए सवाल क्या है? नीरज सिंह का सवाल ये है, डर ये लगता है कि कहीं आगे जाके अभी वैलेंटाइन डे शुरू हुआ ये लव जिहाद में ना बदलता चला जाए, ये सोचना है। सवाल हमको समझ में नहीं आया कि आज वैलेंटाइन डे है कल लव जिहाद पे ना आ जाए। नहीं मतलब यहाँ से शुरुआत हो रही है और धीरे धीरे इसी का फायदा उठाकर लव जिहाद, पर यहाँ तो लव जिहाद तो नहीं है, तो कुछ तो अंग्रेजों का त्यौहार, मतलब विदेशियों का त्यौहार है। लेकिन एक कहानी और आई है, पाकिस्तान से आई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में किसी ने याचिका लगाई कि वैलेंटाइन डे जो है वो इस्लाम के खिलाफ है,
ये न्यूडिटी को, इनडिसेंसी को बढ़ावा देता है, इस्लिए इस पर बैन होना चाहिए। और इस्लामाबाद कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा बैन करो, तुरंत इसको बैन करो, कोई ये नहीं मनाएगा वैलेंटाइन डे, कोई टीवी चैनल ऐसा कोई प्रचार प्रसार नहीं करेगा जिससे वैलेंटाइन डे मनाने के लिए लोगों में भावना जागृत हो। न्यूज चैनल्स खासतौर पर ध्यान दें, वो इस तरह की कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे लोगों के मन में ये बात आ जाए कि यार हमको भी वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए। तो गौरव, अगर आप पाकिस्तान में होते तो ये आप राष्ट्रीय रोहित में ज्ञान भी ना दे पाते इस बात पर कि वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या नहीं। मतलब ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत में जन्मा हूँ, ये तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है या किसी जीवन का कि वो पाकिस्तानी हो, एक टेरर स्टेट में जन्मे। तो एक टेरर स्टेट में क्या होता है, उनका कोर्ट क्या कहता है, उनका कोर्ट तो हाफिज सईद को भी दोषी नहीं मानता। तो पाकिस्तान के बारे में तो जितना हम कम ही बात करें उनके आतंक के अलावा उतना ही बेहतर है। तो लेकिन जहाँ तक भारत की बात है, भारत में प्यार करने के लिए किन्हीं दो लोगों को एक दिन की आवश्यकता नहीं है, 365 दिन प्यार हो ये हमारे देश के लिए अच्छा है, प्यार बांटते हैं। लेकिन एक चीज है, आप मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि वहां पर ये इस्लाम विरोधी है, यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं खासतौर पे बजरंग दल जैसे संगठन, आप रुक जाइए, वो कह रहे हैं कि साहब देखिए ये हिंदू विरोधी है, तो इसका मतलब एक बात तो साफ है श्वेता कि वाकई सही मायने में सेक्युलर त्यौहार है बड़ा, क्योंकि देखिए वहां मुसलमान विरोध कर रहे हैं, हिंदू विरोध कर रहे हैं, ये बिल्कुल एकदम मतलब पते की बात आपने कही है। हालांकि सेक्युलर शब्द का मजाक भी बनाते हैं कुछ लोग, मैं भी बनाती हूँ उस शब्द का, मतलब ही खत्म हो चुका है सेक्युलर शब्द का बिल्कुल exactly. भी आप लिबरल क्या होता है वो सिर्फ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं हो सकता है, सेक्युलर कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं हो सकते, एक चीज मैं मानती हूँ। लेकिन देखिए वैलेंटाइंस डे की लड़ाई लड़के, और क्योंकि जब से मैं छोटी थी तब से देख रही हूँ कि लोग इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे नहीं फायदा होने वाला है। अगर आपको सचमुच में परिवर्तन लाना है तो आप मुहिम छेड़िए ना, आप छेड़िए ये मुहिम, और मैं भी साथ दूंगी उसमें कि आप उस कैलेंडर की तरफ चलिए जो तारीखों की गणना हमारी थी। तो आप जब तक उस तरफ नहीं जा सकते, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, कोशिश भी हुई थी कि क्या क्यों फरवरी को 28 दिन का या फिर एक दफा चार साल में 29 दिन का होना चाहिए। आप हिंदू कैलेंडर ज्यादा साइंटिफिक है, आप उसको फॉलो कीजिए, ये बात बहुत बार कही गई है। लेकिन लड़ना ही है तो उसके लिए लड़िए ना, पहले तारीखें तो तय हो जाए। तो मतलब फरवरी है ही नहीं, हम पंचांग को मान लें अगर गौरव, तो फिर वैलेंटाइन डे नहीं रहेगा, फिर मदन उत्सव आ जाएगा क्या? भारत सरकार असल में मानती भी है, मतलब वहाँ विक्रम संवत साइमल्टेनियसली चलता है। बताइए पंकज जी, अगला सवाल। सवाल है जागृति का। जागृति पूछ रही है कि प्रेम तो ठीक है, लेकिन उसके नाम पे लोग पब्लिक प्लेस में फिर खास तौर पे ये कहते हुए कि ये तो प्रेम है, हद से आगे चले जाते हैं, उनको उसकी सीमा क्या है? ठीक, जागृति के लिए वैसे मैं बता दूं, मेरे को नाम याद हो गया, हर रोज सवाल पूछती हैं जागृति गुप्ता नाम है इनका, ये हर रोज सवाल पूछती हैं, ये हमारे पक्के वाले दर्शक हैं, हम इनका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि ये हर रोज हमारे साथ जुड़ते हैं। लेकिन उनका सवाल बड़ा जेन्युइन है, वो कह रही है कि प्रेम दिवस तो ठीक है, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन इसकी भी तो कोई सीमा रखिए ना, प्रेम दिवस के नाम पर किसी भी सीमा को लांग जाएंगे। कुछ लोगों के साथ तो दिक्कत ये होती है कि उनके पास जगह नहीं है, लेकिन इस चीज़ के बारे में मैं वाकई इसीलिए नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि हम लोग एक बहुत ही मतलब छोटे शहर में पली बड़ी हूँ, वहाँ पर कभी ऐसी चीज़ें ना सुनने में आई ना देखने में आई। दिल्ली आई तो पता चला कि लोधी गार्डन नाम की एक जगह है, और गौरव कानून बेहतर बता देंगे, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े जी। नहीं, देश का कानून बहुत साफ है, आप मर्यादा में रहिए, जो करिए वो ठीक है, लेकिन एक कानून का अगर आप उल्लंघन करेंगे, और कानून बहुत साफ बताता है कि क्या चीज मर्यादा में नहीं है, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन एक बात है, लेकिन अगर आप उसे इंडिसेंसी के लेवल पर ले आएंगे, एक इस समय YouTube पर वीडियो आया है वो तो अश्लीलता है। मतलब अगर आप हम लोग तो क्योंकि हम लोग इस तरह की बातें टीवी पर तो कभी करते भी नहीं है, अगर लोग मर्यादा को लांघेंगे तो कानूनन कार्रवाई होनी ही चाहिए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप जब भी वैलेंटाइंस डे पर कोई स्टोरी करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, तो उन्हीं लड़के लड़कियों को बुलाते हैं जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं, कभी उनके माँ बाप को बुलाइए, जरा उनकी राय भी तो लीजिए, एक तरफा क्यों दिखाते हैं? अब बताइए क्या कहते हैं गौरव? मतलब देखिए, मैं केवल कानून के दायरे में रहकर यही कहना चाहूंगा कि जो चीज आपका समाज, अगर आपका समाज उसकी अनुमति देता है, और ये समाज में मैं इन गुंडों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माँ बाप का पूछ रहा हूँ, समाज में माँ बाप है कि नहीं उनके? बिल्कुल है, वो अलाउ करते हैं कि जाइए करिए ये सब? अब वो उम्र पर निर्भर करेगा, एक उम्र की सीमा है, एक उम्र में ये चीज अच्छी होती है, एक उम्र में ये चीज नहीं अच्छी होती है। हम सब माता पिता हैं, हम सब जानते हैं कि बच्चों को किस उम्र में क्या करने की आवश्यकता है। जब आपका पढ़ाई का समय है, आप पढ़ाई कीजिए, जब आप बड़े हो जाएं, जब आप अपने लिए निर्णय लेने में सक्षम हो, आपको जो करना है करिए, लेकिन
समाज में रहना है तो मर्यादा का पालन आवश्यक है। बताइए श्वेता जी, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए कि भाई बच्चों को बुला के तो आप पूछ लेते हैं, यंग लड़के लड़कियों को तो बुला के स्टूडियो में बैठा लेते हैं। अच्छा। कि वैलेंटाइंस डे आप मना रहे हैं नहीं मना रहे हैं, कैसा लग रहा है, बजरंग दल वाले आ रहे हैं कैसा लग रहा है? असली बजरंग दल तो उनके घर पे बैठा है जिसको वो गोली देके आते हैं वैलेंटाइंस डे मनाने। हम जब जन जन तक पहुंचते हैं, अभिषेक गए थे ये सवाल लेकर और वो उन पेरेंट्स के पास भी पहुंचे और बच्चों के पास भी पहुंचे हैं। एक यंग लड़का और एक बुजुर्ग, मेरा ख्याल है दो लोगों को आपत्ति थी, जो महिलाएं थी, जो माएँ थी, मुझे लगता है बेटों की माएँ रही होंगी, बड़ी खुश थी। वो कहा कि अरे मनाने दो ना, इसमें क्या जाता है, किसी का क्या जा रहा है। आप तो बेटी की माँ हैं, आप भी अपनी राय बताइए। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे लगता है मैं हर त्यौहार मनाती हूँ, मुझे जो अपनी खुशी खुशी पार्टी में बुला ले, चाहे वो क्रिसमस की पार्टी दे, होली की पार्टी दे, दिवाली की पार्टी दे, किसी भी चीज़ की पार्टी दे, मैं त्यौहार वो मनाऊंगी जो मेरी अपनी परंपरा है, मैं बचपन से सीखते आई हूँ, लेकिन मैं दूसरों की खुशियों में हमेशा शामिल होती हूँ। मुझे कभी कभी कोई पार्टी में बुलाए किसी ने नहीं वैलेंटाइंस डे की। एक वीडियो मैंने आज और देखा। हाँ बताइए। अभिषेक राज पूछ रहे हैं क्या उन्होंने, मतलब अपील की आपकी, जो गुंडाई करे, जो कानून का उल्लंघन करे, उसे जेल में डालो। अगर आप उसको जेल में नहीं डालते हैं तो वो समाज की गलती है, पुलिस की गलती है, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अगर जो गुंडाई करे उसको जेल में नहीं डाला। एक वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले और देखा, अभी शायद ढूंढना मुश्किल होगा वरना मैं मोबाइल पर निकाल कर दिखा देता। ट्विटर पर किसी ने मुझे टैग किया था कि भाई वैलेंटाइंस डे ठीक है आप मनाना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वैलेंटाइंस डे की आड़ में मोटरसाइकिलों के गैंग बनाकर गली मोहल्लों में जाना, राह चलती लड़कियों से छेड़खानी करना और उसके बाद उस गली मोहल्ले में रहने वाले माँ बाप, ये छोटे शहरों में चीज़ें ज़्यादा होती हैं, माँ बाप अगर किसी को घेर लें, एक हाथ उनके हाथ में आ जाए और वो पिटाई कर दें, वीडियो बन जाए, तो फिर उसको टीवी चैनल पर ये रंग दिया जाना कि देखिए लोगों ने वैलेंटाइन डे मना रहे जोड़े को घेर कर पीटा, ये कितना जायज़ है। एक बार फिर कानून, और यही लगातार मेरी हर राज्य सरकार से विनती है, क्योंकि कानून राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, जो कानून का उल्लंघन करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारत अनुशासन, हमारे देश में अनुशासनहीनता बहुत ज्यादा। कानून के प्रवक्ता जी, कानून की पट्टी बंदी होती है आंख पे, उसे कुछ दिखता तो है नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, जिसके पक्ष में माहौल बन जाए वो सही हो जाता है। यही तो हमको, इसीलिए अब कानून पुलिस को बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है कि पुलिस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे और फिर न्याय प्रणाली, और इसीलिए हम लोग का ऐसे ही हमारा देश सुधरेगा जब हम पुलिस को सुधारेंगे, न्याय प्रणाली को और सशक्त करेंगे। एक बात समझ लीजिए, जब तक पुलिस सुधार नहीं होगा वैलेंटाइन डे मनाने वाले लौंडे पिटते रहेंगे। सही बात है कि नहीं गौरव? आज कसम खा कर आए, जितना खींचतान कर उन्हें यहाँ लाना पड़ा था खड़ा होने के लिए, वो पूरी कसर निकाल रहे हैं। मैं हर एक बात का जवाब डिप्लोमेटिकली ही दूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं दूंगा। अरे माँ बाप ने अगर एक, देखिए एक तरफा तो हो नहीं सकता है, एक तरफा वाला वैलेंटाइंस डे तो आप लोग भूल जाइए कि एक तरफा वैलेंटाइंस डे के खिलाफ तो बजरंग दल से आगे मैं चलकर उसका विरोध करूंगी, लेकिन अगर माँ बाप को ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। जब जब टीवी पर मुझसे गलती भी हुई है, और वो गलत टेम्पर्ड वीडियो की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जब जब मुझसे सचमुच में गलती हुई है, मैंने सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी है उस चीज़ की हमेशा। तो ऐसे आप जो बात कर रहे हैं ना, उसको एक उससे क्लियर कर देता हूँ। एक आजकल वैलेंटाइंस डे पर जोक चल रहा है कि प्रपोज डे क्यों मना रहे हो भाई, सपोज डे मनाओ, मान लो कि वो आप ही की है। तो ये सपोज डे वाला जो मामला है ना, इसी के बाद ये सारी परिस्थितियां आती हैं, झगड़े होते हैं, गैंग वॉर्स हो जाते हैं, दो गुट लड़ जाते हैं, माँ बाप तक खून खराबे की स्थिति आ जाती है, गली मोहल्लों में झगड़े होते हैं, मोटरसाइकिलों के गैंग बनते हैं, छेड़खानी जैसी स्थितियां आती हैं, अंधी शक्ल ले ले तो एसिड अटैक जैसी वारदातें भी हुई हैं पहले इस देश में, जो कि उन लड़कियों ने झेली हैं। पंकज और सवाल, सुझाव आ रहे हैं भाई बहुत, हर जगह सड़क गली मोहल्ला पार्क बोले प्रेम के नाम पर ये हो रहा है, तो इसके लिए कैसे रोकेंगे? प्रेम के नाम पर खुला प्रदर्शन कब कैसे रोकेंगे? इसके लिए तो फिर मुझे गौरव का रास्ता लेना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था, या फिर एक और चीज बोलूं, बहुत सारे जेन्युइन जोड़े भी होते हैं जो आपस में बैठ के बातचीत भी नहीं कर सकते हैं, अगर वो बैठकर हाथ भी पकड़ लेते हैं तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। मैं मानती हूं कि अलग अलग, जो अगर आप कस्बा है, शहर है, बड़ा शहर है, तो वहां पर पैरामीटर अलग अलग हो जाते हैं आपके, और सार्वजनिक तौर पर किस चीज को खराब माना जाता है वो भी अलग हो जाता है। छोटे शहरों में हाथ पकड़ना भी गलत होगा, बड़े शहरों में कई दफा आप हाथ पकड़ कर चलते हैं उसमें कोई ध्यान नहीं देता है कि कौन क्या कैसे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो अगर
छोटे छोटे पार्क्स होते हैं ना, वहां पर आप महिला पुलिस को लगाइए, महिला पुलिस को लगाइए। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो रोमियो स्क्वाड बनाया था ना, उसकी बहुत भर्त्सना हुई थी, लेकिन क्योंकि मैं कानून और क्राइम कवर करता हूं तो मैं जानता हूं कि किस मंशा से इसे बनाया गया था। रोमियो स्क्वाड के आने, जब ये महिलाएं पार्कों में जाके, महिला पुलिसकर्मी पार्कों में जाके खड़ी होती थी, तो जो मंचले आते थे, और ये मंचलों के खिलाफ कार्रवाई बहुत आवश्यक है। यही बात जो आपने भी उठाई, एसिड अटैकर्स हो, छेड़खानी करने वाले हो, हेलो स्वीटी ये कहने के मोटरसाइकिल पर निकलने वाले हो, या इससे ज्यादा बढ़कर छेड़खानी करने वाले। सिटी बजाना आता आपको वैसे जैसे बजाते हैं मोटरसाइकिल पे? बिल्कुल आता है। बजा के दिखाई ना एक बार। एक बार फौजी पिक्चरों में भी आपको याद है ना, एक सीन था एक पिक्चर में, शायद प्रहार में था ना, कि नाना पाटेकर पूछते हैं वो कैसे सिटी बजा रहा था बताओ तो, और फिर सुबह लड़कों से बजवाते हैं वो, तो वो पकड़ में आ जाता है कि किसने बजाई थी। एक बार बजा के दिखाइए ना कैसे बजाते हैं। न्यूज रूम है ये तो, मर्यादा न्यूज रूम। चलिए आड़ ले लिया आपने न्यूज रूम की इसमें भी।